Everybody, today we are going to study power and एक सबसे पहले before starting our topic officially, I'm going to give you a very basic example, an easy example, daily life example. So we are going to take two boys, एक boy A है and boy B. दोनों को building के top floor पर पहुँचना है, ठीक है. अब क्योंकि दोनों का weight एक जितना है और दोनों एक जितना distance cover कर रहे हैं तो they're going to do same amount of work because we know that के work is basically force into distance. So अगर इसका distance, this is the height, 5 floors or 4 floors, 4 floors, इन दोनों को 4 floor reach करने हैं, ठीक है. अब क्या होगा, और दोनों का weight भी बराबर है, so equal amount of work is done by both A and B. But this A, boy A, is going to reach the building in 40 seconds while boy B is going to take 80 seconds here. तो आप लोग खुद जज करके बताओगे इसमें से सबसे, इसमें ज़्यादा पावर किसके पास है, who has taken less time. पावर ज़्यादा का मतलब होता है ना कि आप सपोज दो बच्चे हैं, वो रन कर रहे हैं एक जगह पे. अब एक बच्चे ने 1 किलोमीटर रन करा, दोनों बच्चों ने 1 किलोमीटर रन करा, ठीक है. एक ने सिर्फ 20 seconds लिए एंड द अदर बॉय टुक लाइक 40 seconds. टू एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो जिसने कम टाइम दिया, द बॉय हु टुक लाइक लेस टाइम 40 seconds हैज़ मोर पावर, उसके पास ज़्यादा पावर, दैट दिस बॉय हैज़ मोर पावर. सो हम लोग नाउ इट्स यू गेट एन आइडिया के बेसिकली वेन एवर यू डू सम वर्क इन सम स्पेसिफिक टाइम, सो वी कॉल इट अ पावर, उसकी ताकत है. वट इज़ द पावर ऑफ दैट बॉय? नाउ इन फिजिक इन वी गो फॉर अ डेफिनेशन, सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड. एंड यू नो दैट वर्क इज ऑल्सो एनर्जी, ठीक है. वर्क इज बेसिकली एनर्जी यूटिलाइज बाय द बॉडी टू डू सम वर्क, राइट. सो हम लोग इसको बाय एज अ डेफिनेशन वी कैन, एज एन इक्वेशन, एज एन इक्वेशन वी कैन राइट दिस. वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन सम स्पेसिफिक टाइम. जिस तरीके से इधर बोथ बॉयज हैज डन वर्क, सम वर्क इन स्पेसिफिक टाइम, बॉय ए डन द वर्क इन 40 seconds वाइल बॉय बी डिड द वर्क इन 80 seconds. सो इसमें से हम लोग कैलकुलेट अगर एक काइंड ऑफ करें तो हमें आइडिया होता है कि बॉय बी ने कम टाइम दिया तो इसकी पावर गुना भी ज़्यादा, ठीक है. पावर इज इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट energy over time. So this become our formula for power. We can write it like this: power is equals to work over time ya energy over time. So now this is the very basic formula for the power, and ab hum isse SI units nikalenge because power is one of the physical quantity and every single physical quantity is recognized by the SI units, okay. So here it's very easy to calculate. You all know that the SI unit of work as well as time. So what is the SI unit of work? It's basically joules, you know that. So joules 1 joule over 1 second SI unit of power. I'm going to write it like this: SI unit of power. ठीक है, 1 joules over 1 second. एंड इन फिजिक्स वी बेसिकली यूज अ वर्ड वॉट्स पर पावर. हम लोग 1 joule over 1 second, व्हेन 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन 1 second, वी कॉल 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड. 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड. सो दिस बिकम 1 watt. सो ऐसे यूनिट्स ऑफ पावर इज बेसिकली वॉट्स. अच्छा, अब हम लोग कहते हैं पावर को हम ईजी वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम किसी को अगर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वट इज़ पावर. सो वी कैन टेल अस, पावर टेल अस हाउ फास्ट वर्क इज बींग डन और हाउ फास्ट एनर्जी इज बींग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब इट्स बेसिकली वी आर डिस्कसिंग वर्क, वी आर डिस्कसिंग पावर, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम. मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि work is being done, time energy is being consumed, but in a specific time. ठीक है,
सो आप सबको पता चल गया है कि द यूनिट इज़ वन वॉट विच इज़ वन जूल्स ओवर वन सेकेंड. अच्छा, नाउ वी गोइंग टू गो एंड हैव अ लिटिल बिट एग्जाम्पल. वी विल जस्ट लुक इनटू एन एग्जाम्पल. देयर इज एन एग्जाम्पल. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 250 वॉट्स. अच्छा भाई, अब हम लोग साथ साथ ना देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आर गिवन हियर. वी आर गोइंग टू मार्क इट. सबसे पहले, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 250 वॉट्स. इट्स मीन अ पावर इज गिवन. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट. इट्स मीन वी हैव टू कैलकुलेट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज अ वर्क. सो वी काइंड ऑफ हैव टू कैलकुलेट एनर्जी और वर्क. सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी स्लैश वर्क जनरेटेड इन 10 मिनट्स. ओके, द टाइम इज ऑल्सो गिवन. दैट्स सेकेंड इन टाइम. बट रिमेंबर वन थिंग, वाइल वी आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल एनी सोल्यूशन प्रॉब्लम्स, वट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम लोगों को अपने सारे जितने भी एसआई यूनिट्स होते हैं ना, जितने भी हमारे यूनिट्स होते हैं उनको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है. हियर पावर इज गिवन. दिस इज पावर, राइट? ये गिवन है और ये वॉट्स में है. इट्स एन एसआई यूनिट. वी नो दैट. वी जस्ट स्टडीड इट कि ये एसआई यूनिट के अंदर है. अच्छा, हीट तो हमने जनरेट करनी है. इफ यू लुक एट द टाइम, हेयर टाइम इज 10 मिनट्स. मिनट्स इज नॉट आर एसआई यूनिट. आर एसआई यूनिट इज सेकेंड्स. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सोल्यूशन. तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम अपना डेटा बना लेते हैं, ठीक है? सो वी नो पावर इज इक्वल्स टू 250 वॉट्स. इट्स गिवन. टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स. हम 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे. वी नो दैट 10 मिनट्स इंटू सेकेंड्स इज 10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स. ऐसे ही होता है. 10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स इज गोइंग टू बी 600 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमें टाइम पता चल गया. और हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी जनरेटेड, हीट एनर्जी जनरेटेड. ठीक है, हीट एनर्जी जनरेटेड. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस. सोल्यूशन इज वेरी सिंपल. हम लोग ने अभी अभी फॉर्मूला, वी जस्ट स्टडी द फॉर्मूला ऑफ पावर. दैट इज वर्क डन ओवर सम टाइम, सम स्पेसिफिक टाइम. सो वट वी आर गोइंग टू डू, गोइंग टू अप्लाई अ फॉर्मूला. दैट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन और एनर्जी डन. हियर वी आर फाइंडिंग एनर्जी. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डब्ल्यू, रादर वी आर गोइंग टू राइट एनर्जी. सो एनर्जी ओवर टाइम. ओके, now as we have to find out energy, so we are going to make energy our subject. energy ko hum ek jagah rakh denge, baki sari values ko hum dusri side par le jayenge. time jo divide ho raha hai dusri taraf jaakar kya ho jayega, multiply. so energy is equals to power multiplied by time. everybody knew that power is equals to, yahan par abhi hum log upar se dekh lete hain, 250 multiplied by 600 and the answer is 1.5 exponent 5 joules. calculate 1.5 exponent 5 joules of energy is in always calculated in joules and work is always calculated in joules because joules is kaisa unit hai. yahan par bhi dekha 1 joule over 1 second. so hum logon ka we have get our answer. this amount of energy is being heat energy is being generated जब हमारे पास एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज गोइंग टू वर्क फॉर लाइक 10 मिनट्स. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट आर टॉपिक पावर. इट्स वेरी सिंपल, वी विल जस्ट गो थ्रू इट. एंड सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि पावर टेल अस हाउ फास्ट वी आर डूइंग आवर वर्क, हाउ फास्ट वी आर कन्वर्टिंग आवर एनर्जी. एन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टिंग एन एनर्जी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.